Hi everyone, good morning and welcome to my new and another vlog. तो आज है 11 तारीख, तो आज का ब्लॉगिंग 7 बजे से हो रहा है. तो आज करते हैं फिलहाल अभी जा रहे हैं, और मेरे घर में सब सुबह हुए और मैं पहले ही जग गया हूँ. और अब जाऊँगा गाय को बांधेंगे बाहर, फिर आज हमको जाना आ रहा है गाय को खोलने के लिए, बांधने के लिए. और गाय यहाँ पे बैठा हुआ है, तो फाइनली गाय को खोल दिए और गाय को बांध दिए, जो कहते हैं आपको. तो ये देख रहे हो, गाय को खोल दिए. शिवम का घर, जो शिवम अभी सोए हुआ है. तो गाय खा पी कर हो गए तैयारी, अब जा रहे हैं सीतामढ़ी. तो देखिए तैयारी हो गया, मेरे भांजा आ रहा है, उससे चलते हैं अब सीतामढ़ी बाइक से. तो फाइनली गाय सीतामढ़ी पहुंच गया है, अब डॉक्टर के क्लिनिक में जाना है. वहाँ दीदी मिलेंगे, भांजा मिलेंगे उसके बाद. इतना ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहता है, यहाँ पे सब डॉक्टर का क्लिनिक है थोड़ा आगे. यहाँ पे सीतामढ़ी का सबसे मेन जो डॉक्टर होता है वहीं रहता है, जो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर प्रमोद कुमार और नागरी कुमार. इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, देखो सबसे बड़ा यहाँ का प्राइवेट कॉलेज है सरस्वती विद्या मंदिर. देखिए केवल गाड़ी ही गाड़ी है, और ये बाईपास वाला रोड है, यहाँ केवल भीड़ ही रहता है. तो फाइनली आ गए हैं यहाँ पे डॉक्टर के क्लिनिक में, जो वो है डॉक्टर के क्लिनिक का नाम और लोग रघुनाथ कुमार. अब जाएंगे अंदर, मिलेंगे और दीदी से. तो देख सकते हैं कितना बड़ा ये क्लिनिक है. फिलहाल अब अंदर आ गए हैं और यहीं से पैसा लूटने का शुरुआत होता है, और यहाँ पुर्जे लगता है. और देखिए कितना ढेर सारा भीड़ है यहाँ पे, और इतना ज़्यादा भीड़. और वो हो गया काउंटर जहाँ पे रसीद जमा होता है. तो अभी हॉस्पिटल से इसको कुछ भूख लग गया था, तो जा रहे इसको खिलाने के लिए, और फिर आएँगे. लेकिन आए अभी कुछ नाश्ता उश्ता करेगा. ये हाथ टूट गया है ना, तो ये डॉक्टर रघुनाथ कुमार जी जो भगवान के रूप हैं, बट ये तो पैसा नहीं लूटते. इसके बाहर का जो स्टाफ लोग होता है वो पैसा लूटते. पहले 1500 ले लिया, तो पहले 1500 लिया था हाथ का हैंडीकैप करने के लिए, अब 1600 40 के बीच में सारा खर्चा आके जाए, ब्लड छोड़ के दवा बेड ऑपरेशन स्टील बेहोशी के डॉक्टर ओटी चार्ज सब लेके. तो केवल दवा बिल ओटी चार्ज और दवा उबा का केवल अब 30 से 35 हज़ार रुपये लेगा एक ऑपरेशन का, जो नॉर्मल बात है. इतना ज़्यादा पैसा लूटता है ये लोग. अब इसके क्या हद होगा आप ही बताओ. डॉक्टर लोग इतना मेहनत से पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लूट लेगा कुछ भी. भाई आप ही बताओ, ये खुलेआम बोल रहा है. आप देख रहे हो ना, इसमें जो लिखा गया है उसके लिए तोड़ फोड़ होगा तो इतना जुर्माना है. और ये लोग जो गलती करेंगे इसके लिए कोई जुर्माना नहीं, 10 के बदले 20 लेता है, इसका क्या होगा भाई. उसके लिए भी कुछ कानून बनाना चाहिए ना सरकार को. देखो आप, और ये कोई मेडिसिन हॉल नहीं है. आप देखो ये पैसा लूटने वाला हॉल है, यहाँ पर केवल मशीन से पैसा. तो फाइनली इसका हो गया इलाज, बट उठक वहाँ ठीक हो गया. अब ये जाएगा घर पे, अब हम लोग भी निकलते हैं बाहर. देखे आपने कैसे डॉक्टर ने लूटा पैसा, और डॉक्टर लोग बहुत पैसा लूटते हैं आप देखें, और कितना महंगा दवा मिलता है. तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिलहाल अभी घर है आज के, और वीडियो भी एडिटिंग करना है. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू गाइज.